everyone, welcome to Quick Defense Exam. So guys, in this video we will do the environment section. Okay, I have taken the Vision magazine to cover the environment portion. In this video we will cover the whole current affairs related to environment, okay, of the last year. So let's start. इस वीडियो में मैं हम जितने भी करंट अफेयर्स बने लास्ट ईयर के, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट किसी भी एग्ज़ाम सीडीएस में पूछ लिए जाते हैं और भी एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं उनके लिए, ठीक है. मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक आपको इसमें दिखेगा. स्टार्ट करने से पहले आपको कंटेंट दिखा लेती हूँ मैं. इसमें फर्स्ट में आपको क्लाइमेट चेंज मिलेगा जिसे हम आज कवर करेंगे. हम हर दिन 45 या 1 आवर देंगे, ओके, और ऐसा ऐसे करके हम कंप्लीट करते रहेंगे. क्लाइमेट चेंज में आपको ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स, मिटिगेशंस मेजर्स. सेकेंड टॉपिक आपका पॉल्यूशन है, ठीक है. थर्ड टॉपिक आपके पास बायोडाइवर्सिटी है. फोर्थ टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है. फिफ्थ टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्स्थ आपके पास ज्योग्राफी. आपको बताया कि ज्योग्राफी की जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो अलग से नहीं आती हैं, लेकिन एनवायरनमेंट वाले उस सिलेक्शन में ही उसको, एनवायरनमेंट की कैटेगरी में ही उसको कवर कर लिया जाता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं, जो टॉपिक रहा वो था एमिशन गैस रिपोर्ट 2020. ओके, फर्स्ट आई इरेज ऑल दिस, देन वी विल डू ग्लोबल सिनेरियो एमिशन गैस रिपोर्ट 2020. आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये कि ये न्यूज़ में क्यों थी, ओके, व्हाई इन न्यूज़. United Nations Environment Programme UNEP recently released its annual emission reports, emission gap report 2020. ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, annually निकलती है और कौन निकालता है, United Nations Environment Programme. Key findings क्या हैं? GHG emissions, greenhouse gas emissions continued to increase 4% per year since 2010 on average and rapid increase of 2.6% in 2019 due to forest fire. ठीक है, forest fire होने की वजह से इनमें rapid increase पाया गया है 2.6% की increase का, okay, and reached a record high of 59.1 GTC carbon dioxide in 2019. ठीक है, ये इस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स हैं. मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट. सेकंड है फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस अकाउंटेड फॉर मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. ग्रीन हाउस गैस एमिशन में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो फॉसिल्स कार्बन डाइऑक्साइड्स का है, ठीक है. G20 कंट्रीज अकाउंट फॉर बल्क ऑफ एमिशंस. जो G20 कंट्रीज है सबसे ज़्यादा एमिशंस इनमें से हुआ है. और टॉप फोर एमिटर्स कौन कौन से हैं? चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन प्लस यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया कंट्रीब्यूटेड 55% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द लास्ट डिकेड. पिछले दशक में जो ग्रीन हाउस गैस एमिट हुई हैं उनका जो 55% है वो इन चार देशों में से ही आया है, ठीक है. ये टॉप फोर एमिटर्स, ओके. नाउ करंट एनडीसी वुड लीड टू अ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 3 degrees Celsius बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. जो करंट एनडीसी है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा. वुड लीड टू अ टेम्परेचर कम से कम 3 degrees Celsius टेम्परेचर इंक्रीज होने की अनुमान है बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, इस सेंचुरी के एंड तक, ठीक है. ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज आप देख सकते हो. जो ब्लू कलर का है ये लैंड यूज चेंज है, ठीक है, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला, ठीक है. पर्पल वाला आपको मिलेगा लैंड यूज चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. ब्लू वाला बहुत छोटा है, नहीं दिख सकता, ठीक है. ग्रीन है इसके बाद ये भी जो बिल्कुल पतला सा है, दिस वन इज ग्रीन. फ्लोरिनेटेड गैस एफ गैस, देन रेड वाला N2O, ब्राउन वाला
मीथेन एंड देन ये फॉजस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि 1990 में हम कहाँ पे थे किसी भी चीज़ में, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में एमिशन में। ठीक है, 1995 में, 2000 में, और अब हम 2019 में। ठीक है, लास्ट ईयर की रिपोर्ट है तो 2019 तक दिया गया है। ओके, फिर है पर कैपिटा एमिशंस, आपने पर कैपिटा कितना एमिट किया है। ओके, तो 1990 में कैसा था और 2019 में कैसा है, ये हमारा इंडिया की रिपोर्ट दिखा रखी है। ऐसे करके सभी, ये चाइना, ठीक है, ऐसे करके सारी कंट्रीज की ये रिपोर्ट है। अराउंड 2/3 ऑफ ग्लोबल एमिशंस आर लिंक्ड टू द प्राइवेट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। जो 2/3 है वो कौन से करा रहे हैं, प्राइवेट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के अंडर आते हैं। ठीक है, द एमिशंस ऑफ द रिचेस्ट 1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अकाउंट फॉर मोर देन ट्वाइस द कम्बाइंड शेयर ऑफ द पुअरेस्ट 50%। ठीक है, COVID-19 crisis offers only a short-term reduction in global emission and will not contribute significantly to emissions reductions by 2030. जो COVID-19 की वजह से लॉकडाउन लगा था पूरे वर्ल्ड में, उसकी वजह से क्या हुआ, पोल्यूशन कम हुआ। ठीक है, लेकिन वो पोल्यूशन उतना भी कम नहीं हुआ कि हम 2030 तक कोई सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट देखें कि लॉकडाउन की वजह से कोई ज़्यादा फर्क पड़ा हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसी से रिलेटेड और भी कुछ न्यूज़ हैं, जैसे ट्रिपल इमरजेंसी क्या होती है, मेकिंग पीस विद नेचर, प्रकृति के साथ शांति बनानी। अ न्यू रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हाईलाइटेड ट्रिपल इमरजेंसी, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन। ये भी एक रिपोर्ट है मेकिंग पीस विद नेचर, जो UNEP ने ही पब्लिश करी है। इन्होंने एक वर्ड यूज़ करा है ट्रिपल इमरजेंसी। ट्रिपल इमरजेंसी का मतलब होता है आपके पास एक ही टाइम में तीन परेशानी आ गई, क्या, एक तो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन। तो ट्रिपल इमरजेंसी के बारे में उन्होंने बताया है अपने रिपोर्ट में। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन एड अप टू 3 सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्लैनेटरी क्राइसिस दैट आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एंड पुट द वेल बींग ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन एट अनएक्सेप्टेबल रिस्क। आप ने इसमें ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तीनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और फ्यूचर और करंट जनरेशंस के लिए भी एक अनएक्सपेक्टेबल रिस्क की जैसा है। कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट है ये, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जॉइंटली रिलीज दिस रिपोर्ट। तो इनको UNEP और IEA दोनों ने रिलीज करा है। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कूलिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एमिशंस ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लैक कार्बन। ठीक है, जो कूलिंग की ज़्यादा डिमांड है, AC वगैरह जो हम ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हमको कूलिंग चाहिए। और जब कूलिंग होगा तो उसमें से रेफ्रिजरेटर में से, ACs में से ये गैसें रिलीज होती हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और बढ़ा देती हैं। ठीक है, एक सेकंड है, किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कुड अवॉइड अप टू 0.4 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय 2100। मतलब 2100 तक जो किगाली का अमेंडमेंट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ये 0.04 डिग्री सेल्सियस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताता है। किगाली अमेंडमेंट एम्स टू फेस डाउन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर्स। किगाली अमेंडमेंट का एम क्या था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर में से निकलते हैं, उसका प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों ही कम करना। ठीक है, तो ये इसका किगाली अमेंडमेंट का एम था। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP। UNEP इज़ अ लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी दैट सेट्स द ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा एंड प्रमोट्स द कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ठीक है, तो UNEP क्या है, एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा को
बचाने के लिए प्रमोट करती हैं, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट के जितने भी सारे के सारे डायमेंशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाने के लिए वो पूरे हो सकें। हेडक्वार्टर्स इसके नैरोबी केन्या में है, ठीक है। और इनको फंड कहाँ से मिलता है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 95% ऑफ इट्स फंडिंग का, ठीक है। यू एन ई ए इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ यू एन ई पी, ठीक है। एंड यू एन ई ए इज अ वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन द एनवायरमेंट विद अ यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफ 193 मेंबर स्टेट। 193 मेंबर्स हैं इसकी, हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरमेंट में, ठीक है। फ्लैगशिप पब्लिकेशंस के बारे में देख लेते हैं। अवर प्लैनेट टंजा, एटलस ऑफ अवर चेंजिंग एनवायरमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ठीक है। अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है, ठीक है। सीड अवार्ड्स, ये सारे के सारे अवार्ड्स न्यूज़ में रहते हैं, आपने सुने होंगे। इट सपोर्ट इनोवेटिव स्मॉल स्केल एंड लोकली ड्रिवन एंटरप्रेन्योर्स अराउंड द ग्लोब हु इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स इनटू देयर बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। देन सासाकावा प्राइज, इट रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों प्राइजेस होते हैं जो यूएनईपी देता है। यूएनईपी होस्ट द सेक्रेटरीट्स ऑफ मैनी क्रिटिकल मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, बेसल रॉटरडम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, कार्पेथियन कन्वेंशन, सब रीजनल ट्रीटी टू फॉस्टर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कार्पेथियन रीजन। कार्पेथियन रीजन कौन सा हो गया, यूरोप के लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, आपको पता है ना कार्पेंथेरिया एक माउंटेन का नाम है, तो वो वाला। बामाको कन्वेंशन, ट्रीटी ऑफ अफ्रीकन नेशंस प्रोहिबिटिंग द इम्पोर्ट इन टू अफ्रीका ऑफ एनी हजार्डस वेस्ट, द तेहरान कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ द मेरीन एनवायरमेंट ऑफ द कैस्पियन सी, ठीक है। तो ये हमने ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020। ये क्यों रिलीज में था, क्योंकि यूएनईपी ने अपनी फिफ्थ एडिशन निकाला है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 में। इसकी की हाईलाइट्स क्या हैं, 72% ऑफ कंट्रीज हैव अडॉप्टेड एटलीस्ट वन नेशनल लेवल अडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। 72% कंट्रीज ने कोई भी एक ही तरीके का नेशनल लेवल अडेप्टेशन प्लानिंग को चूज़ करा है, अडॉप्ट किया है। एनुअल कॉस्ट ऑफ अडॉप्टेशन टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज एस्टिमेटेड टू एटलीस्ट क्वाड्रपल बाय 2050, मतलब $500 बिलियन तक इसकी कॉस्ट हो सकती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। द एवर इंक्रीजिंग अडेप्टेशन कॉस्ट हैज आउटपेस्ड द ग्रोथ इन अडेप्टेशन फाइनेंस। जो अडेप्टेशन कॉस्ट इतनी बढ़ जाने की वजह से जितनी भी ग्रोथ है उस पर फर्क दिखेगा अडेप्टेशन फाइनेंस में। अडेप्टेशन कॉस्ट क्या होती है, अडेप्टेशन कॉस्ट इज हायर इन डेवलप्ड कंट्रीज बट बर्डन ऑफ अडेप्टेशन इज ग्रेटर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन रिलेशन टू देयर GDP। जितनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज होगी वहाँ पर अडेप्टेशन कॉस्ट भी उतना ज़्यादा ही आएगा, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ की GDP अच्छी होने की वजह से उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वेयर एज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें अडेप्टेशन कॉस्ट का बर्डन झेलना पड़ता है। COVID-19 पैंडमिक हैज़ इम्पैक्टेड अडेप्टेशन एफर्ट्स बट इट्स इफेक्ट इज़ नॉट येट क्वान्टिफाइड। जो COVID-19 पैंडमिक है उसके इम्पैक्ट की वजह से अडेप्टेशन एफर्ट्स पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। की सजेशंस क्या हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट स्केलिंग अप एंड इंसेंटिवाइजिंग फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट अडेप्टेशन फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू नैरो द गैप। अगर हम इस गैप को कम करना चाहते हैं तो पब्लिक के साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं उन्हें भी फिनेंस करना चाहिए अडेप्टेशन के लिए, क्योंकि तभी ईजी होगा। ओके, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन निकालने चाहिए जो मतलब प्रकृति ही अडॉप्ट कर सके, ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सम ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म, मतलब ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आपको रुपए कहाँ से मिलेंगे इन चीज़ों को करने के लिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है, ग्रीन क्लाइमेट फंड अंडर UNFCCC वॉज कमिटेड बाई डेवलप्ड कंट्रीज इन 2009 टू मोबिलाइज $100 बिलियन एवरी ईयर बाई 2020 टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज कट देयर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड अडेप्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने के लिए 2020 तक डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रीन क्लाइमेट फंड 100 बिलियन डॉलर की धनराशि के लिए बात की गई है। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF ट्रस्ट फंड, ये वर्ल्ड बैंक सर्व करता है, ठीक है। GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का वर्ल्ड बैंक एक ट्रस्टी है जो इस फंड को एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। GEF फंड्स आर अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज विद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट। वो देश जो डेवलपिंग है या फिर वो देश जो इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड है, ठीक है। GEF serve as a financial mechanism to 5 convention, जो ये 5 convention है ये इनके लिए financial mechanism का काम भी करता है, जैसे convention on biological diversity, CBD जिसे हम बोलते हैं, UNFCCC, United Nations framework convention on climate change, ठीक है, Stockholm convention on persistent organic pollutant, POPS, United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD, and Minamata Convention on Mercury, जो ये 5 convention हैं, इनके लिए जो financial mechanism का काम है वो भी Global Environment Facility Fund ही करता है, ठीक है। अब आते हैं Adaptation Fund के बारे में। ये 2001 में establish हुआ था कि finance कर सके जो concrete adaptation projects हैं या फिर program है developing countries में उनके लिए, ठीक है। Parties to the Kyoto Protocol that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, वो parties जो वाकई में climate effect, climate change के प्रभाव से सबसे ज़्यादा शिकार हुई हैं उनके लिए। It is financed with a share of proceeds from the Clean Development Mechanism, CDM project activities and other source of funding से इसको finance किया जाता है, ठीक है। Special Climate Change Fund SCCF established under the United Nations Federation for Convention on Climate Change in 2001 to finance projects in all developing countries, parties related to adaptation, technology transfer and capacity building, etc. GEF as an operating entity of the financial mechanism has been entrusted to operate the Special Climate Change Fund, ठीक है। एक है International Climate Initiatives, IKI, financing instruments of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, BMU, for the international financing of climate change mitigation and biodiversity. It operates with the framework of the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity. Financing climate change mitigation and biodiversity conservation and developing emerging and transition countries. तो इतने जगहों से अगर आपको फंड मिलता है क्लाइमेट के लिए, ठीक है। की टर्म्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज अडैप्टेशन, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू एक्चुअल और एक्सपेक्टेड क्लाइमेट एंड इट्स अफेक्ट। मतलब जो ब्लैक लाइन में बोल्ड लाइन में वर्ड्स हैं, एटलीस्ट ये तो आपको पता ही होने चाहिए कि एडजस्टमेंट हो एक्चुअल या फिर जो हमने एक्सपेक्ट क्लाइमेट हमने करा है, जो मतलब एक होता है ना इमेजिनेशन की एनवायरनमेंट इतना सही तो होना ही चाहिए, इतना एक्सपेक्टेड क्लाइमेट तो होना ही चाहिए, अगर हम उतने के लिए एडजस्टमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम अडेप्ट कर रहे हैं। इन ह्यूमन सिस्टम्स अडेप्टेशन सीक्स टू मॉडरेट और अवॉइड हार्म और एक्सप्लॉयट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। ह्यूमन सिस्टम में देखा जाए तो अडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए उनको हार्म ना करें, उनको एक्सप्लॉयट ना करें, उनको ज़्यादा वेस्ट ना करें। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज रिक्वायर इट्स सिग्नेटरीज टू इम्प्लीमेंट अडॉप्टेशन मेजर्स थ्रू नेशनल प्लान्स, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन फ्यूचर, ठीक है। तो जो पेरिस एग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसे भी चाहिए कि जितने भी सिग्नेटरीज हैं उसके जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को साइन कराया है कि वो इम्प्लीमेंट करें अपने अडेप्टेशन मेजर्स को, ठीक है। चाहे वो नेशनल प्लान बना के करें या फिर क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम करें, अर्ली वार्निंग दे दें, प्रोटेक्टिव मेजर्स लें या इन्वेस्टमेंट करें ग्रीन फ्यूचर में, किसी भी किसी तरीके से करें। क्योंकि जैसे आप जानते हैं USA ने पेरिस एग्रीमेंट से वापस ले लिया था, ठीक है, लेकिन जो बाइडन के आने के बाद उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अडेप्टेशन गैप क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड अडेप्टेशन एंड अ सोशली सेट गोल। हमारा गोल क्या था? एक तो वो,
और हमने कितने तक मेहनत करी, इम्प्लीमेंट करा, उन दोनों के बीच का जो गैप है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसे हम बोलते हैं एडेप्टेशन गैप। ठीक है, डिटरमाइंड लार्जली बाय प्रेफरेंसेस रिलेटेड टू टॉलरेटेड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड रिफ्लेक्टिंग रिसोर्सेज लिमिटेशंस एंड कॉम्पिटिटिंग प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज़ को देख के हमने किस तरीके से एडजस्ट करा है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को टॉलरेट करा है, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से लिमिट किया है, उन सब से हमारा इम्प्लीमेंटेशन और हमारा गोल के बीच के डिफरेंस को एडेप्टेशन गैप बोलते हैं। एडेप्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लानिंग, प्रिपेयरिंग फॉर, फैसिलिटेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एडेप्टेशन मेजर्स इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन कॉस्ट। अब हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कॉस्ट तो लगेगी ही, और उसे बोलते हैं एडेप्टेशन कॉस्ट। नेचर बेस्ड सोल्यूशन, जैसे एक्शंस टू प्रोटेक्ट, सस्टेनेबली मैनेज एंड रिस्टोर नेचुरल और मॉडिफाइड इकोसिस्टम्स, ठीक है, दैट एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस इफेक्टिवली एंड अडेप्टिवली, साइमल्टेनियसली प्रोवाइडिंग ह्यूमन वेलबींग एंड बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट। जो नेचुरल चेंज होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके उनमें क्या होता है, फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनसे ज़्यादा अच्छा हो रहा पता है। क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस रेफर्स टू लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग। जब हम लोकल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग के बारे में बात करते हैं, जब हम फाइनेंस लेते हैं ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक से, प्राइवेट से या फिर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, आपको पता है बहुत सारे एनजीओज हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, जब हम उनसे फाइनेंसिंग लेते हैं तो उसे क्लाइमेट फाइनेंस होते हैं। दैट सीक्स टू सपोर्ट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एक्शन दैट विल एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। हम वो एक्शंस लें, हम वो मेजर्स लें जो इनको कम कर सकें क्लाइमेट चेंज के एड्रेस को, उसे बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट कॉल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पार्टीज विद मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दोज दैट आर लेस एंडाउड एंड मोर वल्नरेबल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में क्या होते हैं, जो सिग्नेटरीज होते हैं, जो कंट्रीज होते हैं जिन्होंने इन एग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ होता है, वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपने फंड्स को, रुपीज़ देती हैं उन कंट्रीज के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, अपने क्लाइमेट एक्शंस के लिए। तो ये हमने इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। नाउ हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI। क्यों खबरों में थी ये इस साल, वाई न्यूज़, क्योंकि इंडिया ने रैंक किया था 10th लेटेस्ट एडिशन ऑफ द CCPI का, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का, में इंडिया रैंक 10th, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होती है, ये इंडेक्स पब्लिश की जाती है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा, ठीक है, 2005 से ये लगातार पब्लिश हो रही है, ठीक है, और ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जो कंट्रीज को ट्रैक करता है उनके क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंसेस के बारे में, ठीक है। 2017 में जो CCPI की मैथडोलॉजी थी वो रिवाइज हुई, ठीक है, टू फुली इनकॉर्पोरेट द 2015 पेरिस एग्रीमेंट विद द गोल टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस और इवन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। अपने गोल के साथ कि जो पेरिस एग्रीमेंट का गोल है ग्लोबल वार्मिंग को हम 2 डिग्री या 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखेंगे, ठीक है। CCPI ने 2021 में इवेल्युएट किया और कंपेयर करा क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंसेस को 57 कंट्रीज में एंड ऑफ यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन के साथ भी, विच आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो कि ये 57 देश और यूरोपियन कंट्रीज जिम्मेदार थे 90% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए, ठीक है। इट एसेसेस कंट्रीज परफॉर्मेंस इन 4 कैटेगरीज, इन्होंने कंट्रीज को 4 कैटेगरीज के उस पर तोला नापा, ठीक है। जो पर्पल कलर में दिख रहा है आपको, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन है जो कि 40% का है, मेरून रेड में आपको 20% रिन्यूएबल एनर्जी के इस पे एनर्जी यूज, येलो ऑरेंज टाइप 20% और क्लाइमेट पॉलिसीज ग्रीन 20%, ठीक है। CCPI की जो ये रिपोर्ट है, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके की हाइलाइट्स क्या थी वो देखते हैं। फर्स्ट 3 ranks ऑफ द ओवरऑल रैंकिंग रिमेन एम्प्टी, जो फर्स्ट 3 rank है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, वो कोई भी कंट्री कोई भी पोजिशन होल्ड नहीं कर पाया। इट मीन्स किसी के भी परफॉर्मेंसेस उतने अच्छे नहीं थे कि वो उन्हें कैटेगरी कर सके कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 holders कौन होंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम द G20 कंट्रीज दिस ईयर ओनली द यूरोपियन यूनियन एज अ होल अलॉन्ग विद द UK एंड इंडिया रैंक अमंग हाई परफॉर्मर्स।
G20 कंट्रीज में सिर्फ यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा, और उसके साथ साथ कौन, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया ही अच्छी परफॉर्मेंस के उसमें रैंक हाई कर पाया। आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम अब ब्रेग्जिट हो चुका है, ब्रिटेन एग्जिट कर चुका है, तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा, इसी वजह से अलॉन्ग विद यूके लिखा है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया रैंक अमंग हाई परफॉर्मर, इन्होंने हाई परफॉर्मेंस में रैंक करा है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्टिन्यूज टू एक्सपेंड लार्ज एनुअल ग्रोथ टू डेट इन 2019। रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड की है और लार्जेस्ट 2019 में की है, ठीक है। सेवरल कंट्रीज अपडेटेड देयर एनडीसी, बहुत सारे कंट्रीज ने अपना एनडीसी अपडेट किया है। चाइना जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एमिटर है, कमिटेड टू अ टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2060, एंड जापान एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया अनाउंस देयर एम टू बिगिन कार्बन न्यूट्रल बाय 2050, ठीक है। चाइना ने कहा है कि हम 2060 तक, वेयर एज जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने कहा है कि वो 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेंगे। इंडियाज रैंकिंग, इंडिया इज रेटेड हाई फॉर इट्स परफॉर्मेंस इन द एनर्जी यूज। इंडिया की जो रैंकिंग हाई हुई है वो किस में हुई है, एनर्जी यूज में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में और क्लाइमेट पॉलिसी कैटेगरी में, एंड मीडियम इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी। मतलब इंडिया में अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी पे उतना जोर नहीं दिया जा रहा है, मतलब वी आर डूइंग वेल, वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, दैट्स वाई वी आर इन द मीडियम कैटेगरी, बट वी आर नॉट डूइंग एज मच जस्ट एज वी आर डूइंग इन द केसेज ऑफ GHG emissions, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसीज, ओके। तो ये इसकी, इस रिपोर्ट की, CCPI रिपोर्ट की हाईलाइट थी। नाउ कम ऑन टू रिलेटेड न्यूज़, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से लेकर क्या और इसकी न्यूज़ थी। जर्मन वॉच इसको रिलीज करता है, इंडेक्स एनालिसिस टू व्हाट एक्सटेंट कंट्रीज एंड रीजंस हैव बीन अफेक्टेड बाय इंपैक्ट्स ऑफ वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स। ये इंडेक्स ये एनालाइज करता है कि जो कंट्रीज हैं वो किस हद तक शिकार हुई हैं, या फिर जो रीज़न है, पर्टिकुलर रीज़न है, वो किस हद तक शिकार हुए हैं एनवायरनमेंट चेंज के इम्पैक्ट्स का, स्टॉर्म्स के, फ्लड्स का, हीट वेव्स का, ठीक है। की हाईलाइट क्या है, इंडिया वाज द सेवंथ वर्स्ट हिट कंट्री ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बिगड़ने की वजह से जो इंडिया है वो सातवें नंबर पर है, दुनिया का सात प्रदेश जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है 2019 के इवेंट्स में, ठीक है। और इसमें टॉप क्या, मतलब जो फर्स्ट रैंक है वो है मोजाम्बिक की, मोजाम्बिक इज द वर्स्ट अफेक्टेड, ठीक है। इंडिया इज़ अ हाई नंबर ऑफ फैटलिटीज, इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है 2267, एंड द बिगेस्ट इकोनॉमिक लॉस, और सबसे ज़्यादा आर्थिक घाटा भी इंडिया को ही हुआ है, दैट इज़ द $68,000 million 2019 में। फ्लडिंग कॉज बाय हैवी रेन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1800 डेथ एंड लेड टू द डिसप्लेसमेंट ऑफ 1.8 million पीपल, ठीक है। नाउ आ जाते हैं 1.14 दूसरी रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये क्यों न्यूज़ में थी। रिसेंटली स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने अपनी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी करी, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं। रिपोर्ट यूज ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर्स, जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर्स को यूज करती है अपनी चेंजिंग क्लाइमेट और अपनी जो इंडेक्स है उनमें ब्रॉड व्यू दर्शाने के लिए वो ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर्स को डिस्क्राइब करती है ग्लोबल स्केल पे, ठीक है, जो क्लाइमेट बदलाव हुआ है ग्लोबल स्केल पे। GCI आर यूज्ड टू मॉनिटर द डोमेन्स मोस्ट रेलेवेंट टू क्लाइमेट चेंज, ये उन डोमेन्स पे ज़्यादा मॉनिटर करती हैं जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहते हैं क्लाइमेट चेंज से, जैसे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, energy changes that arises from the accumulation of greenhouse gases and other factors, as well as responses of land, ocean and sea, ocean and ice, मतलब जो important हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा केंद्र करते हैं। Key findings क्या हैं, average global temperature in 2020 is said to be about 1.2 degree Celsius above the pre-industrial level। की फाइंडिंग्स क्या है कि 2020 में जो ग्लोबल एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर रहा वो 1.2 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा सा ऊपर रहा, ठीक है, किसके कंपैरिजन में 1850 और 1900 के लेवल पे, जो कि हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल था। 2020 इज़ वेरी लाइकली टू बी वन ऑफ द थ्री वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड्स ग्लोबली, ठीक है। वन मतलब तीन सालों में से एक साल सबसे ज़्यादा 2020 में सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा,
ओशन एसिडिफिकेशन इज इंक्रीजिंग, जो हमारे ओशियन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिफाइड हो रहे हैं. द ओशन एब्जॉर्ब्स अराउंड 23% ऑफ द एनुअल एमिशंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर, देयर बाय हेल्पिंग टू एलिविएट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लानट. ठीक है, जो ओशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं 23% एनुअल एमिशंस कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोसफेयर में रहती है उसका 23% तो ओशन एब्जॉर्ब्स कर लेते हैं. ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी प्लानट पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, ओशियंस एसिडिफाइड हो रहे हैं. आपने कल या परसों की न्यूज़ सुनी होगी कि जापान अपने फुकुशिमा पावर प्लांट का जो वाटर है वो ओशियंस में छोड़ने का मन बना रहा है, जिस वजह से क्या कहते हैं ओशन एसिडिफाइड हो सकता है. नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ग्लोबली वॉज अबव एवरेज इन 2020. 2020 में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थे वो अपने एवरेज से भी ज़्यादा थे. डिस्पाइट द COVID-19 लॉकडाउन एटमोसफेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कॉन्टिन्यू टू राइज. माना कि पूरे विश्व में लॉकडाउन था, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रीन हाउस गैसेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ा ही है. ठीक है, थोड़ा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. आपको याद रखना है कि आपको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, UNEP के बारे में. ठीक है, और जैसे WHO काफ़ी न्यूज में चर्चा में रहता है, वर्ल्ड WMO काफ़ी चर्चा में, तो आपको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट इनके हेडक्वार्टर्स, इनका मोटो, इनके मेंबर कंट्रीज, सिग्नेटरीज, प्रेजेंट में क्या सीन चल रहा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद अ मेंबर ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स एंड टेरिटरीज. इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर मेट्रोलॉजी वेदर एंड क्लाइमेट ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियो फिजिकल साइंसेज के लिए. ये मतलब पूरे विश्व में जो भी मौसम है, वेदर है, क्लाइमेट है, वो सब चीज़ें यही देखता है. इंडिया इसका मेंबर है, हेडक्वार्टर्स इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. ठीक है, ये मेंबर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का, UNDG का, और ये सुप्रीम बॉडी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस की, विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ WMO के मेंबर से. ठीक है, 2020 में क्यों ये चर्चा में रहा, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट की वजह से जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है. ठीक है, रिपोर्ट ने क्या प्रोवाइड किया हमें कि बेसिस फॉर द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल इंक्लूडिंग थ्रू मैकेनिज्म सच एज़ द क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इनिशिएटिव. ठीक है, इस रिपोर्ट ने ये हमको प्रोवाइड किया है, जितने भी ब्लैक कलर में बोर्ड में लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, फिफ्थ रिपोर्ट आती है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन. इंडियन रीजन के ऊपर क्लाइमेट चेंज का असेसमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है हमारी, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका टाइटल था असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन. ठीक है, रिपोर्ट क्या है, ये पहला अटेम्प्ट है. इट इज़ द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू डॉक्यूमेंट एसेस क्लाइमेट चेंज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले जो क्लाइमेट गतिविधियाँ हैं, जो चेंजेस हैं, उनको असेसमेंट करने का ये अपने आप में पहली रिपोर्ट है. ठीक है, रिपोर्ट हाईलाइट करती है ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्ट चेंजेस. जो चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए हैं उनके बारे में, वेरियस क्लाइमेटिक डायमेंशन जो बदलाव हुए हैं इंडियन रीजन्स के ऊपर, उनका इम्पैक्ट क्या है और कैसी पॉलिसीज एक्शंस हो सकती हैं इन क्लाइमेट चेंज से डील करने में. ठीक है, की फाइंडिंग्स क्या हुआ, जो हिंदू कुश हिमालयाज हैं हमारे, एक्सपीरियंस टेम्परेचर राइजेज 1.3 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग 1951 to 2014. 1951 से लेकर 2014 तक जो हमारे हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं उन्होंने 1.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज देखा है. ठीक है, प्रोजेक्टेड राइज बाई एंड ऑफ 21st सेंचुरी इज 5.2 डिग्री सेल्सियस. ऐसा माना जा रहा है कि 2100 तक, मतलब जो 21st सेंचुरी का एंड होगा तब तक ये भी ये टेम्परेचर 5.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा. सी सर्फेस टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल इंडियन ओशन राइजेज बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज ड्यूरिंग 1951 to 2015. जो हमारा इंडियन ओशन का जो सी सर्फेस टेम्परेचर है, ऊपर का समुद्री सतह का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस में राइज देखा गया है. ठीक है, ग्रेटर देन ग्लोबल एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर वार्मिंग 0.7 डिग्री सेल्सियस. जो कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो ग्लोबल एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी ज़्यादा देखा गया. ठीक है, ड्रॉट्स बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड स्पेशल एक्सटेंट हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 1951 to 2016. 1951 से लेकर 2014 तक जो सूखा पड़ता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बार बार आने की जो तरीका है, बार बार जो आती है वो उसमें भी क्या कहते हैं बढ़ोतरी हुई है. ठीक है,
सी लेवल राइजेज इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन अकर्ड एट अ रेट ऑफ 1.06 टू 1.75 मिलीमीटर पर ईयर, हर साल 1.06 या 1.75 इस रेंज में जो हमारा सी लेवल है वो बढ़ रहा है 1874 से लेकर 2004 तक के बीच में, और इसमें क्या कहते हैं एक्सीलरेट हुआ है, ठीक है एक्सीलरेट हुआ है 3.3 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से बिटवीन 1993 टू 2017, 1993 के बाद तो ये बढ़ा ही है, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, हॉटस्पॉट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन इंडिया, अ स्टडी बाय काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर CEEW, अ नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैज फॉर द फर्स्ट टाइम मैप द एक्सट्रीम वेदर इवेंट हॉटस्पॉट्स इन द कंट्री, ठीक है। इन्होंने पहली बार सबसे पहले जो वेदर हॉटस्पॉट्स कंट्री में उन्हें ऑब्जर्व करा है, ठीक है। की फाइंडिंग्स क्या है इनकी, मोर देन 75% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स होम टू कवर 638 मिलियन पीपल आर हॉटस्पॉट्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स सच एज साइक्लोन फ्लड्स ड्रॉट हीट्स एंड कोल्ड वेव। भारत के 75% से ज़्यादा राज्य है, ठीक है, इसकी चपेट में है एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स हैव राइज़न इन रीसेंट डेकेड्स, उनमें आने की संख्या इंटेंसिटी ज़्यादा आए, ठीक है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी हम अनुमान नहीं लगा सकते, इन तीनों में ही बढ़ोतरी हुई है। देयर इज अ शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स सच एज फ्लड प्रॉन एरियाज बिकमिंग ड्रॉट प्रॉन एंड वाइस वर्सा इन ओवर 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ कभी बाढ़ आती थी वो अब सूखा पड़ रहा है, और जहाँ कभी सूखा पड़ता था वो वहाँ पे अब बाढ़ आ रही है। तो ऐसे ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस देखे जा रहे हैं। सिक्स ऑफ इंडियाज 8 मोस्ट फ्लड प्रॉन डिस्ट्रिक्ट इन द लास्ट डिकेड वर इन आसाम, मतलब भारत के जो सबसे ज़्यादा 8 बाढ़ आने वाले राज्य थे उनमें से 6 तो आसाम राज्य में है, ठीक है। इन पास डिकेड हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स आर ऑल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट लाइन, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वो सारे ईस्टर्न कोस्टल लाइन में हैं, ठीक है, जो साइक्लोन से इफेक्ट हुए हैं। वार्मिंग अरेबियन सी भी दिनों प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एन अनयूजुअली वार्म अरेबियन सी एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंटेंस बर्स्ट ऑफ मानसून रेन इन पार्ट्स ऑफ इंडिया इन अगस्त दिस ईयर, मतलब अरेबियन सी के ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से जो मानसून है, जो भारत मानसून पे डिपेंड करता है, वो बहुत ही ज़्यादा आने की अनुमान है। इंपैक्ट वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी अराइज इन वाइड स्प्रेड एक्सट्रीम रेन्स ओवर वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल इंडिया सिंस वार्मिंग इंक्लूड्स इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशंस इन द मानसून विंड्स विद इंश्योरिंग एपिसोड्स ऑफ इनहेंस्ड मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द अरेबियन सी टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब आपको पता है कि मानसून कैसे आता है, अरेबियन सी से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ ही आता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को होते हुए। तो अगर अरेबियन सी ज़्यादा गर्म रहेगा तो उसका असर ग्लोबल मानसून पे भी पड़ेगा। सिक्स रिपोर्ट हमारी आई थी ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट GCP रिपोर्ट, द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट GCP रिलीज ग्लोबल मीथेन बजट एंड ग्लोबल नाइट्रियस ऑक्साइड, ठीक है। इन्होंने ग्लोबल मीथेन बजट निकाला था और ग्लोबल नाइट्रियस ऑक्साइड बजट भी निकाला था, ठीक है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इज अ ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर अर्थ एंड अ रिसर्च पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम का ये एक रिसर्च पार्टनर है, ठीक है, और एक ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर अर्थ भी है। 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, बाय द शेयर्ड पार्टनरशिप बिटवीन द इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम IGBP के साथ, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशंस प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज ISGP के साथ, और वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम WCRP एंड डाइवर्साइट्स के साथ, ठीक है, इनके साथ पार्टनरशिप में आया था 2001 में। दिस पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूटेड द अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप विच सब्सिक्वेंटली इवॉल्व इनटू फ्यूचर अर्थ, इस पार्टनरशिप ने ESSP की शुरुआत करी थी और जो बाद में फ्यूचर अर्थ में कन्वर्ट हो गया। इट सीक्स टू क्वान्टिफाई ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड देयर कॉजेज, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसके बारे में देखना, उनके कारणों के बारे में पता करना, उनके प्रोजेक्ट उनको कम करने की कोशिश करना। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ग्लोबल बजट फॉर 3 डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं जो डोमिनेट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट्स इन अर्बन रीजनल क्यूमुलेटिव एंड नेगेटिव एमिशंस, ठीक है, और उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट्स हैं उनके बारे में देखना, अर्बन लेवल पे, रीजनल क्यूमुलेटिव या फिर नेगेटिव एमिशंस पे, ओके। अब आता है ग्लोबल मीथेन बजट,
आपको बताया किसने, दो रिपोर्ट्स निकाल दी हैं, ग्लोबल मीथेन बजट और ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड। ग्लोबल मीथेन बजट, अबाउट मीथेन, ठीक है। मीथेन इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, 84 to 86 टाइम्स स्ट्रॉगर देन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 20 ईयर्स एंड द सेकेंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एमिशन करने वाली गैस है। मीथेन स्टेज इन द एटमोसफेयर फॉर एन एवरेज ऑफ 9 ईयर्स एंड इट इज टिपिकली डिस्ट्रॉयड थ्रू केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूज CO2 एंड वाटर, ठीक है। ये 9 साल तक क्या कहते हैं वातावरण में रहती है और इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसको ये डिस्ट्रॉय कैसे होती है उस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। अ रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन इज ऑल्सो कंज्यूम्ड बाई बैक्टीरियाज इन सॉइल, कुछ बहुत ही छोटी कम मात्रा में बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो मीथेन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मीथेन मिटिगेशन ऑफर्स रैपिड क्लाइमेट बेनिफिट्स एंड इकोनॉमिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चर को बेनिफिट्स दैट आर हाईली कॉम्प्लीमेंट्री टू कार्बन डाइऑक्साइड मिटिगेशंस। जो मीथेन के मिटिगेशंस ऑफर्स हैं वो रैपिड क्लाइमेट बेनिफिट करते हैं, मतलब अगर हम मीथेन के इफेक्ट्स को कम करें, मिटिगेट करें, तो उससे हमको क्लाइमेट बेनिफिट्स होगा, इकोनॉमिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, हर तरीके से बेनिफिट ही होगा, ठीक है। की फाइंडिंग्स क्या थे, ग्लोबल एनुअल मीथेन एमिशन इन 2017 इट वाज अराउंड 9% हायर देन 2000 to 2006 एवरेज, ठीक है। एमिशन में राइज हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंक्रीज, एग्रीकल्चर एंड वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड 60%, फॉसिल फ्यूल्स 40%, ये सारी चीज़ें मीथेन्स के प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। एरिया विद लार्जेस्ट इंक्रीज अफ्रीका और मिडल ईस्ट, चाइना और साउथ एशिया और ओशियानिया, और ओशिनिया में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। और मीथेन सिंक्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड, मीथेन सिंक में भी इंक्रीज हुआ है कि जो मीथेन ओशन के अंदर ही चली जाती है, ठीक है। मीथेन ग्लोबल मीथेन बजट 2008 से 2017 तक कैसा है, फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एंड यूज़ ये देखिएगा आप यहाँ पे 101, 81 to 131, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड वेस्ट की वजह से 207 to 240, ठीक है। बायोमास एंड बायोफ्यूल बर्निंग, वेटलैंड्स, अदर नेचुरल एमिशंस, इनलैंड वाटर्स, जियोलॉजिकल ओशंस, टर्माइट्स, वाइल्ड एनिमल्स, परमा फॉरेस्ट, सिंक फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर एंड सिंक इन सॉयल, ये टोटल सिंक है, एटमॉस्फेयर, मीथेन ग्रोथ रेट, ठीक है, एमिशंस एंड सिंक्स। अब आता है ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड N2O के बजट के बारे में, ठीक है। GCP jointly with International Nitrogen Initiative INI have created a new activity and international consortium of scientists to establish and improve global nitrous oxide budget trends and variability. About nitrous oxide, N2O is a long-lived greenhouse gas and an ozone-depleting substance with an atmospheric lifetime of 116 plus minus 9 years. It is the third most important greenhouse gas leading human-driven climate change after carbon dioxide and methane. ठीक है, ये भी लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है। की हाइलाइट्स क्या है, ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन 10% ग्रेटर ग्लोबल एमिशन इन 2016 देन इन 1980s. ओके, डोमिनेंट कॉज इंक्रीज इन यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फ्रॉम मैन्योर प्रोड्यूस्ड बाय लाइफ स्टॉक। Agricultural productions contributed almost 70% of global anthropogenic nitrogenous emissions. ठीक है, emissions from agricultures are dominated by East Asia, Europe, South Asia, North America. Highest growth rates in emission came from emerging economies, particularly Brazil, China and India. ये इस nitrogenous nitrous oxide के budget की highlights थी। कहाँ से आता है देख सकते हैं आप, climate and carbon dioxide के effect से, ठीक है, एग्रीकल्चर से, बायोमास से, पोस्ट डिफॉरेस्टेशन, पर्स इफेक्ट्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन रिडक्शंस, वेस्ट एंड वेस्ट वाटर, एटमॉस्फेयर एंड डिपोजिशन ऑन लैंड सरफेस, सिंक, नेचुरल सॉइल्स, इनलैंड एंड कोस्टल वाटर्स, इन सबसे आता है, ठीक है। लॉस ऑफ आइस कवर इन द आर्कटिक सी, आर्कटिक सी में जो बर्फ की परत है, आइस कवर है, उसमें कमी आ रही है। कैसे, रिसेंटली द नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च फाउंड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द आर्कटिक सी आइस इन द लास्ट 41 ईयर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इन जुलाई 2019, ठीक है। मोर अबाउट द स्टडी, NCPOR नोटेड दैट बिटवीन 1979 एंड 2018 द सी आइस हैज बीन डिक्लाइनिंग एट अ रेट ऑफ
4.7% पर डिकेड वाइल इट्स रेट वुड फाउंड टू बी -13% इन जुलाई 2019। सी आइस इज अ फ्रोजन सी वाटर दैट फ्लोट्स ऑन द ओशन सरफेस। क्या होता है सी आइस? वो फ्रोजन सी पानी होता है, लेकिन बर्फ का वैसा पानी होता है जो फ्लोट करता है ओशन की सरफेस पे। ओके, इट फॉर्म्स इन बोथ द आर्कटिक एंड द एंटार्कटिक इन ईच हेमिस्फीयर विंटर्स। इट रिट्रीट्स इन द समर बट डज नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर। गर्मियों में कम हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन कभी भी पूरा डिसअपियर नहीं होता, आर्कटिक और एंटार्कटिक में पाया जाता है। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज देयर वुड बी नो आइस लेफ्ट इन द आर्कटिक सी बाय 2050 सिंस द वॉल्यूम ऑफ आइस लॉस ड्यूरिंग समर्स माइट सरपास द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्मेशन ड्यूरिंग विंटर्स। गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ सर्दियों में बनने वाली बर्फ के मुकाबले ज़्यादा पिघलती है, तो जब बर्फ पिघलने की रेट ज़्यादा होगी बर्फ बनने की रेट से, तो 2050 तक ये पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। रैपिड डिक्लाइन इन आर्कटिक सी आइस कवर इज लिंक्ड विद ग्रोइंग कार्बन एमिशंस एंड सब्सिक्वेंट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन रीजनल वेदर चेंजेस इन इवेपोरेशन रेट्स एयर ह्यूमिडिटी क्लाउड कवर एक्सेट्रा लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर पोलर बियर्स। ठीक है, कोस्टल इरोजन आइस एल्बिडो फीडबैक। एल्बिडो होता है जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, मेल्टिंग ऑफ सी आइस होगा, एक्सपोजर ऑफ डार्क वाटर होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर सनलाइट होगी, तो मेल्टिंग ऑफ सी आइस दोबारा से बिल्कुल सर्कल है। और ऑन क्लाइमेट चेंज इंटरफेरेंस विद ओशन सर्कुलेशन एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट लाइक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ड्रॉट अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, आर्कटिक ओशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आर्कटिक ओशन का मैप है, यहाँ से आप देख सकते हैं, चुकची सी है, बियरिंग सी, ईस्ट साइबेरियन सी, लैपलॉक सी, कारा सी, बेरियन सी, नॉर्वेगियन सी, आर्कटिक सी, ग्रीनलैंड, बैफिन बे, लैब्राडोर। ठीक है, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन इज द अर्थ नॉर्थन मोस्ट बॉडी ऑफ वाटर एंड द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन, बॉर्डर्ड बाई ग्रीनलैंड, कैनेडा, नॉर्वे, अलास्का एंड रशिया, एंड इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर्ड विद आइस फॉर द मेजोरिटी ऑफ द ईयर। इट इज सराउंडेड बाई मार्जिनल सी सच एज चुकची, ईस्ट साइबेरियन, लैपटेव, कारा, बेरन, वाइट ग्रीनलैंड एंड ब्योफोर्ट। अबाउट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन 1998 टू कैरी आउट रिसर्च एक्टिविटीज इन द पोलर एंड सदर्न ओशन रियाम्स। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन स्टेशन इन अंटार्कटिका, मैत्री एंड भारती, और आर्कटिक में हिमाद्री। ठीक है, आर्कटिक में हिमाद्री है और अंटार्कटिका में मैत्री और भारती है। रिलेटेड न्यूज, आर्कटिक हीट वेट के बारे में आपको बताना चाहिए। रिसेंटली आर्कटिक सर्कल हैज कवर्ड न्यू हाई टेम्परेचर रिकवरिंग ओवर 38 डिग्री सेल्सियस इन साइबेरियन टाउन एमिड अ हीट वेव। 38 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रिकॉर्ड किया गया साइबेरियन टाउन में। ठीक है, अर्लियर इन 2016 आल्सो आर्कटिक सर्कल रिकॉर्डेड अबव नॉर्मल टेम्परेचर। पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? 2016 में भी टेम्परेचर बड़ा हाई गया था, ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर्स, लार्ज स्केल विंड पैटर्न्स, अब्सेंस ऑफ सी आइस एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। इम्पैक्ट क्या है? थ्रेटन लोकल वेजिटेशन, इकोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमी, ये इसके परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, सी लेवल राइज, जो समुद्र का लेवल है वो कैसे राइज कर रहा है उसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, रिसेंटली साइंटिफिक रिपोर्ट जनरल नोटेड दैट सी लेवल राइज इज एज अ वेल एक्सेप्टेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली बात, अगर आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मान लो कि आपका सी लेवल राइज हो गया ही होगा। ठीक है, फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी क्या है? सी लेवल हैव राइजन बाई बिटवीन 180 डिग्री टू 200 मिलीमीटर 1900 से अभी तक इतना हो चुका है। 0.5-0.07% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज एट रिस्क ऑफ एपिसोडिक कोस्टल फ्लडिंग बाई 2100। वैल्यू ऑफ ग्लोबल एसेट्स एक्सपोज टू दिस चेंज इज प्रोजेक्टेड टू बी बिटवीन $16 to $19 trillion फॉर 12-20% ऑफ द ग्लोबल GDP। ठीक है, ये कॉज ऑफ सी लेवल राइज है, थर्मल एक्सपेंशन, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, मेल्ट वाटर फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिकाज आइस शीट, चेंजेस इन द नेट शॉर्टेज ऑफ टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर एंड अदर लोकल फैक्टर्स। इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है GMSL राइज के लिए? रेजिडुअल, अंटैक्ट, ग्रीनलैंड, ग्लेशियर्स और थर्मल एक्सपेंशन, ये इतना मिलीमीटर पर ईयर बढ़ रहा है। ठीक है, एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग, ठीक है, क्यों था ये न्यूज में? रिसर्चर्स एट आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस नैनीताल हैव फाउंड दैट एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग हैव एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग ओवर ट्रांस हिमालयाज इज लार्जर देन द ग्लोबल एवरेज। जो ट्रांस हिमालयाज हैं उसके ऊपर जो एरोसोल की रेडिएटिव फोर्सिंग्स हैं वो ज़्यादा हैं ग्लोबल एवरेज से। अबाउट एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग्स क्या होती हैं?
इफेक्ट ऑफ एरोसोल ऑन क्लाइमेट इज नॉर्मली क्वान्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ ARF. रेडिएटिव फोर्सिंग इज अ मेजर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर एग्जाम्पल ग्रीन हाउस गैसेस एरोसोल क्लाउड एंड सर्फेस एल्बिडो हैज एन अल्टरिंग द बैलेंस ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग एनर्जी इन द अर्थ एटमोसफेयर सिस्टम एंड इज एन इंडेक्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्टर एज अ पोटेंशियल क्लाइमेट चेंज मैकेनिज्म. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि जो क्लाउड्स बनते हैं या एल्बिडो होता है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या देखती हैं कि कितनी एनर्जी आ रही है और कितनी ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन वॉट्स पर स्क्वायर मीटर. जो रेडिएटिव फोर्सिंग होती है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, वॉट पर स्क्वायर मीटर. एक एरिया में पर स्क्वायर मीटर में कितनी वॉट हुई है, कितना वॉट, वॉट क्या होता है, पावर. पावर क्या होता है, वर्क. पावर का फॉर्मूला, पावर की यूनिट होती है ना वॉट. वर्क इनटू एनर्जी, वर्क इज इक्वल्स टू आल्सो एनर्जी. ARF इज द नेट चेंज इन एनर्जी बैलेंस ऑफ द अर्थ सिस्टम ड्यू टू सम फोर्स पर्टर्बेशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल. ठीक है, ARF क्या होगा, जब यूनिट से पता करो कि वॉट पर स्क्वायर मीटर है. वॉट का मतलब है पावर. ठीक है, और पावर आपको पता है, ठीक है, वर्क डन, जो हम अपनी एनर्जी वर्क डन, जो वर्क एनर्जी होता है. ठीक है, तो उसी का ही नेट चेंज कितना हुआ है एनर्जी बैलेंस करने में, उसे हम बोलते हैं ARF, नेट चेंज एनर्जी बैलेंस ऑफ द अर्थ सिस्टम ड्यू टू, किसकी वजह से, जो सम फोर्स्ड पर्टर्बेशन हुआ है एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल का, उसकी वजह से जो एनर्जी बैलेंस में चेंज आया है उसे बोलते हैं. द एटमोस्फेरिक एरोसोल प्ले अ की रोल इन द रीजनल ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम थ्रू स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड बाय मॉडिफाइंग द क्लाउड फॉर्मेशंस एंड हैव इम्पैक्ट ऑन एटमोस्फेरिक वार्मिंग एंड ग्लेशियर रिट्रीट. ठीक है, जो वातावरण में रहने वाला एरोसोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. किस चीज़ के लिए, उस रीजन के क्लाइमेट सिस्टम कैसा होगा, वो कैसे लाइट कैसे स्कैटर करेगा या एब्जॉर्ब कैसे करेगा सोलर रेडिएशन को, ऑफ इनको मॉडिफाई कैसे करेगा क्लाउड फॉर्मेशन बनने में. ठीक है, तो इसका एटमॉस्फेरिक वार्मिंग और ग्लेशियर रिट्रीट पे काफ़ी फर्क पड़ता है. जैसे रेडिएटिव फोर्सिंग देखेगा वॉट पर मीटर स्क्वायर में, नेट ह्यूमन एरिया, सन के जैसे नेचुरल चेंज, लैंड रिफ्लेक्टिविटी चेंज, एरोसोल क्लाउड इन्फ्लुएंस, एरोसोल सू डस्ट, इसकी वजह से. ठीक है, द रिसर्च शोज दैट मंथली मीन ARF ऑफ एरोसोल लीड्स टू हीटिंग रेट ऑफ 0.04 टू 0.13 डिग्री सेल्सियस पर डे. इतना मंथली आ जाता है. हीटिंग ओवर हिमालयाज स्ट्रेंथ द टेम्परेचर ग्रेड. हीटिंग ओवर हिमालयाज, हिमालयाज के ऊपर जो गर्मी हो रही है वो स्ट्रेंथ कर रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट को बिटवीन लैंड एंड ओशियन एंड मॉडिफाइज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस एंड मॉनसून रेनफॉल. ठीक है, एरोसोल के बारे में पढ़ते हैं हम. एरोसोल आर डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, सस्पेंडेड इन गैसियस और लिक्विड एनवायरनमेंट में. अगर लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स छोटे छोटे रहते हैं उन्हें एरोसोल बोलते हैं. इन द एटमोसफेयर दीज पार्टिकल्स आर मेनली सिचुएटेड इन द लोअर लेयर ऑफ एटमोसफेयर सिंस एरोसोल सोर्सेज आर लोकेटेड ऑन द टेरेस्ट्रियल सर्फेस. लोअर लेयर ऑफ एटमोसफेयर में आपको मिलेंगे. हाउएवर सर्टेन एरोसोल्स कैन स्टिल बी फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर स्पेशली वॉल्केनिक एरोसोल्स इजेक्टेड इन टू द हाई एल्टीट्यूड लेयर्स. वॉल्केनो की वजह से कुछ कुछ आपको हाई लेयर्स भी मिल जाएंगे. अदर इफेक्ट्स ऑफ एरोसोल क्या हैं, दे इफेक्ट एटमोसफेरिक केमिकल कंपोजिशन, दे कैन रिड्यूस विजिबिलिटी, इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ. एग्जाम्पल एरोसोल्स कैन यूज डैमेज ऑफ हर्ट्स एंड लंग्स, दे सर्व एज न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स इन आउट्स क्लाउड्स. ठीक है, इनमें हो सकता है आइस क्रिस्टल्स एंड आइस क्लाउड्स में. नेचुरल सोर्सेज और एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स, सोर्सेज ऑफ एरोसोल्स, ये दोनों क्या है, एरोसोल्स के सोर्सेज. एक तो नेचुरल, नेचुरल में क्या हो गया, मिनरल डस्ट ब्लोन फ्रॉम द सरफेस बाय विंड, सरफेस से हवा उड़ी, ठीक है, डस्ट उड़ी, वो लिक्विड वाटर मॉइस्चराइजर थे उसके साथ मिक्स हो गया, एरोसोल बन गया. सी सॉल्ट जनरेटेड फ्रॉम ब्रेकिंग वेव्स, ठीक है, वॉल्केनोज हो गए इस वजह से. और एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल, कम्बशन हुआ फॉसिल फ्यूल्स का, उस वजह से वेस्ट का इनकी
इरेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ या इंडस्ट्रियल डस्ट हुआ, इसकी वजह से। ठीक है, सो गाइस हमने 1.1 में आपकी सारी रिपोर्ट्स कवर करी हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर। 1.2 में हम आपके साथ कवर करेंगे ग्लोबल कन्वेंशंस और इनिशिएटिव्स के बारे में। ठीक है, सो होप आपको अच्छा लगा होगा। डू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड नेवर गिव अप।